आप सबका अभिनंदन स्वागत। और मैं अनुरोध करूंगी सत्यम जी से कि वो आए और बच्चों को जिस विषय के लिए वो आज आए हैं उससे उनको आपको रूबरू करवाएं। उपस्थित आदरणीय गुरुजन, एमसी सोलन से आए डॉक्टर योगेश गुप्ता हेल्थ ऑफिसर, प्रदीप जी शिक्षा क्रांति एनजीओ से मेरे साथ आए स्तुति, साक्षी चेतन जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स स्टाफ मेंबर्स और यहाँ उपस्थित बीएड प्रशिक्षु और आप सभी विद्यार्थीगण, मैं आप सभी का आज के इस स्वीप यानी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और आईईसी यानी स्वच्छता गृह के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सत्यन है, मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ का एक स्वयंसेवी हूं। पिछले 15 वर्षों से स्वच्छता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कितनी कड़क की धूप तपी हुई है और कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या कारण है आपको लगता है कि क्या इस ग्लोबल वार्मिंग के जो वैश्विक उष्णता है, क्या मनुष्य ही इसका कारण है? यस सर, नो सर? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कारण भी हम ही हैं और निवारण भी हमें ही होना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो जो ये एनजीओ है, हमारा विजन है कि हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, बोलिए, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, उसी प्रकार से हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। तो इस विजन को हासिल करने के लिए मिशन बतौर हम सफाई अभियान करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और संवाद के कार्यक्रम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वच्छता बहाल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स करने के लिए शायद एक एनजीओ के करने का नहीं है। तो समय समय पर आपके स्कूल का आशीर्वाद भी मिलता है, एमसी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, पर्यावरण मित्र हैं, सभी का योगदान और आशीर्वाद मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा मानना है कि जैसे हम स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारा यह मानना है कि जैसा आप जानते हैं कि अभी लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि कब तारीख है इलेक्शन की? शाबाश, आप सभी जागरूक युवा है। 1 तारीख है। अगर 1 तारीख को हम अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उस दिन छुट्टी लेते हैं और किसी न किसी बहाने से वोट देने नहीं जाते हैं, हमें लगता है कि यह भी एक भ्रष्टता है। क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल, हमें यही लगता है कि यह एक भ्रष्टता है। अगर हम अपने मत का प्रयोग करते हैं, मतदान देने जाते हैं, तो सचमुच हम स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम आपसे यह गुजारिश करते हैं सबसे पहले कि आप ज़रूर अपने घर जाएँ। जब आप घर जाएंगे तो कम से कम घर में, पड़ोस में ज़रूर यह बात करें कि लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र के महापर्व को मनाना है, वोट देने जाना है। क्या आप सभी प्रॉमिस करते हैं? डू यू होल्ड प्रॉमिस विद मी? यस सर, नो सर? एंड आई वॉन्ट दैट सम ऑफ यू शुड ऑल्सो होल्ड प्रॉमिस इन वर्ड्स ऑल्सो। आप में से 3-4, ज़्यादा नहीं तो 2-3 इंप्रेशन ऐसे आने चाहिए कि यस, मैं वादा करता हूँ कि मैं घर जाऊँगा और मैं जागरूकता फैलाऊँगा, मैं कहूँगा कि हमें मतदान देने ज़रूर जाना है। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जन जन को जगाना है, आप कहेंगे घर घर संदेश पहुँचाना है। मैं कहूँगा वोट देने जाना है, आप कहेंगे स्वच्छ लोकतंत्र बनाना है। जन जन को जगाना है। आवाज नहीं आ रही उधर से, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है, वोट देने जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जन जन को जगाना है, घर घर संदेश पहुंचाना है, वोट देने जाना है, लोकतंत्र स्वच्छ बनाना है। इसका मतलब है जो जागरूक मतदाता होता है वह स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माता होता है। और एक तो थी ये स्वीप की एक्टिविटी, स्वीप मतलब मतदाता जागरूकता। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम स्वच्छता के कार्य को आगे ले जा रहे हैं और एमसी सोलन का समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है, हम सामूहिक कार्य कर रहे हैं,
तो इसके लिए भी मुझे आपसे एक प्रण चाहिए और आपने यह भी प्रॉमिस करना है कि आप कितने जागरूक हैं स्वच्छता के प्रति। आप जब भी अपने जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, यानी जब भी आप कुछ टॉफी बिस्किट वॉट एवर यू ईट, सो वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ योर वेस्ट मटेरियल्स? क्या आप खुले में फेंकते हैं या फिर डस्टबिन में फेंकते हैं? ऐसा सभी करते हैं क्या? क्या कभी किसी ने गलती से गलती की है, कुछ खाया और वहीं फेंक दिया? हाथ खड़े करो जरा, किसने? गलती से गलती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ देखो शाबाश, शाबाश मतलब ठीक है। ओ हो, ठीक है ठीक है, गलती से गलती हो गई है, चलो कोई नहीं, ठीक है, आपने स्वीकार किया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज सच्चा वादा करना है कि आज के बाद, अभी के बाद आप कभी भी कहीं भी खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे और वही हाथ उठाएंगे जो सचमुच प्रॉमिस करते हैं। झूठ नहीं बोलना है, सच सच में जो प्रॉमिस करते हैं। शाबाश, जो सच में प्रॉमिस करते हैं। मेरा ख्याल 50% 90% 100%। शाबाश, थैंक यू वेरी मच। मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है, ऐसी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। MC से डॉक्टर साहब आए हैं। सर, मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ और जब मैं यहाँ से कुछ कहता हूँ तो सचमुच मेरी टंग लड़खड़ा जाती है, अर्थात मेरे में एक अदब है, ओ है। टीचर्स सामने हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कुछ कर जाऊंगा। तो मैं गुरुजनों से यही आशीर्वाद चाहूंगा कि आने वाले समय में जो भी गतिविधि स्वच्छता को लेकर आपके विद्यालय में होगी, हमें ज़रूर आशीर्वाद दें, हमारा साथ दें और इन विद्यार्थियों को भी ज़रूर जागरूक करें। प्यारे विद्यार्थियों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि जिस प्रकार से हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। क्या हम आपके साथ सफाई अभियान कर सकते हैं अभी आने वाले कुछ ही दिनों में? यस सर, नो सर? और आप सभी जानते हैं कि सारे तो सफाई अभियान करने नहीं आएंगे, तो जो अभियान करने नहीं आते वो जरूर हमें हस्ताक्षर सहयोग दें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और आपसे एक निवेदन करते हैं कि जब आप घर जाएंगे, यानी मतदाता जागरूकता घर घर ले जाएंगे, यानी सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो साथ ही साथ आपने यह भी संदेश देना है कि कृपया गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग ही पर्यावरण मित्र, यानी जो MC से पर्यावरण मित्र आते हैं, उन्हें अलग अलग करके ही दें। क्या ऐसा आप वादा करते हैं? इधर से नहीं कर रहे यार, क्या बात है, प्लीज, क्या आप सभी करते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो ये देख लीजिए, आपको शायद ये फ्लायर्स बांटे भी जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह कार्यक्रम जो है IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अवेयरनेस के तहत स्वच्छता ग्रह के साथ किया जा रहा है और हम हर स्कूल में जा रहे हैं और फॉलोअप के लिए भी जरूर आएंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ, धूप भी बहुत है, मैं चाहूँगा कि आप जो भी आपसे बातें कही गई ये उन पर ज़रूर अमल करें। और अंत में मैं सभी गुरुजनों का, हम जल्द ही आपके विद्यालय में आने वाले हैं, हमें आपसे हस्ताक्षर सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। हम सभी गुरुजनों का, आदरणीय शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक आभार प्रकट करते हैं आज के समय के लिए। खास करके मेरे साथ जो खड़े हैं, कल्पना परमार मैम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैम है, ये हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे, 15 सालों से ये अभी हमारे साथ जुड़े हैं। यदा कदा सफाई अभियान जिस भी तरह से हो, बात से हो चाहे हाथ से हो, इनका आशीर्वाद मिलता है और आशा करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद सत्यम जी एंड NCCIE टीम, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को मतदान और सफाई के विषय में जागरूक किया। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो स्कूल में इस समय प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट भी नहीं है, उनको भी ये संदेश पहुँचाएंगे और मतदान के टाइम में घर घर में ये संदेश जाएगा कि मतदान के लिए जाना कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल।